Now we are discussing question number 25th of class 11 trigonometry. यहाँ पे आपको बोला गया है अगर साइन एक्स 3/5 है, कॉस वाई -12/13 है और एक्स वाई दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं तो वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई देनी है. ओके ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी क्लियर है कि साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई. वेरी इजी क्वेश्चन भाई. साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से परपेंडिकुलर 3 है अगर दिस एंगल इज एक्स और ये 5 है. ओके तो जब आपने पाइथागोरस लगाया तो इजीली हमें ये वैल्यू 4 मिल जाएगा, है ना? पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है हमें. सिमिलरली अगर ये कॉस वाई है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर आपका 3 हुआ, हाइपोटेनस आपका 5 हुआ इस फिगर के अकॉर्डिंग. सिमिलरली जो हमारा कॉस वाई होगा, ओके सो कॉस वाई में हमारा क्या होगा? ये हमें 12/13 दे रखा है, माइनस को इग्नोर करते हैं फिलहाल. अगर मैं कॉस वाई की बात करूं तो ये क्या होता है? बी अपॉन एच. बेस यहाँ से 12 है, एच यहाँ पे 13 है, तो परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा. कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम है और 11th के बच्चों को ये नॉर्मली लगाना आता है. ठीक है, एक चीज़ आपको दे रखी है कि ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में. देखते हैं तो साइन एक्स प्लस वाई जिसका वैल्यू आपने बोला साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कुछ ऐसा फॉर्मूला बना. ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको 3/5 दे रखी है, आप इजीली पुट कीजिए. कॉस वाई भी हमें पता है माइनस का 12/13 दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है. जब आपने इन्हें सॉल्व किया तो ये बना माइनस का 36/65. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब चलते हैं प्लस वाले साइड पे. भाई अगर साइन एक्स 3/5 है तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन एच. इस फिगर में बेस कौन है आपका? 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन एच यानी 5. ठीक है, तो कॉस एक्स यहाँ आपका आपका आ जाएगा 4/5. क्लियर है? बट एक चीज है, अगर कॉस और वाई दोनों कॉस और में है, एक्स और वाई अगर दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस एक्स की वैल्यू तो -4/5 होगी, बिकॉज भैया सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है ना? तो इस कॉस एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं? -4/5. ठीक है, अब चलते हैं साइन वाई पे. अगर कॉस वाई ये है तो जो साइन वाई होता है ये होता है पी अपॉन एच. यहाँ से परपेंडिकुलर आपका क्या दिख रहा है? 5, और एच दिख रहा है आपका अगेन 13 इस फिगर के अकॉर्डिंगली. साइन वाई, वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन तो भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन वाई को आप 5/13 ही रहने देंगे. और जब इसको सॉल्व किया तो -4 × 5 कितना होता है? -20. 5 × 13 65, सेम एलसीएम आएगा. सो योर आंसर इज 65 नीचे और ऊपर माइनस का 56. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके बस आपको